राम जन्म नगर में चलने वाले बुलडोजर के मामले को लेकर पूर्व विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील को आड़े हाथ लिया। कहा, कंपनी उजाड़ने से पहले बसाने की प्रक्रिया करे। मैरिन ड्राइव का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रशासन एक तरफ बुलडोजर चलाने जा रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी खुलकर सामने आ गई है। जमशेदपुर पश्चिमी के पूर्व विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील और प्रशासन के रवैये को गलत करार दिया है। कहा है कि प्रशासन सरकार के सामने आम जनता की बात रखे। टाटा स्टील तो अपना उल्लू सीधा कर रही है। कहा है, पुल बनने में 6 महीना लगेगा और मैरिन ड्राइव के शुरू होने में 1 साल, जबकि कोर्ट का आदेश है कि पुल मार्च तक तैयार कर ले। राम जन्म नगर के लोगों को गाड़ने के लिए बेवजह नोटिस दिया है जिला प्रशासन, और कोर्ट का जो फैसला है वह कहीं से भी राम जन्म नगर को गाड़ने के लिए नहीं है, और मेरा ये मानना है कि 6 महीना से कम नहीं लगेगा पुल को बनाने का और 1 साल से कम समय नहीं लगेगा मेरिन ड्राइव को बनाने का। पुल चालू होने का मतलब है कि पुल बन जाए और मेरिन ड्राइव बन जाए, इसलिए हाईकोर्ट ने पुल चालू करने का आदेश दिया है। तो इस पर पुल बनाने वाली जो कंपनी है ATBCL, उसको हाईकोर्ट के पास जाकर सही स्थिति उसको बतानी चाहिए कि ये वस्तु स्थिति है, और सरकार को और जिला प्रशासन को आम जनता का विचार कोर्ट के पास रखना चाहिए। जिला प्रशासन को अपनी नोटिस शिथिल करनी चाहिए। ATBCL 28 फरवरी को अपने बोर्ड की मीटिंग कर रहा है, उसके जितने भी भागीदार हैं उनमें से कईयों से मेरी बात हुई है। सिंगू चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उषा मार्टिन है, और एशिया है, इन लोगों से मैंने बात किया है, आयडा है, इनसे बात किया है, और हमने कहा है कि हम लोग राम जन्म नगर की जनता की ओर से या मेरिन ड्राइव की जनता की ओर से आपको प्रस्ताव देंगे। हम लोगों का ये मानना है कि पुल करीब करीब 40 करोड़ में पहले बनने वाला था और आज 76-77 करोड़ रुपया पुल बनने का खर्च हो गया, तो इस खर्च को बढ़ाने में कहीं से राम जन्म नगर के लोगों का कोई योगदान या कोई गलती उनकी नहीं है। ATBCL ही अपने जिम्मे ले जो विस्थापित हो रहे हैं को पुनर्वासित करेगा ATBCL, क्योंकि सरकार के पास कोई नियम नहीं है और न सरकार पुल बना रहा है। तो मूलतः टाटा स्टील की जिम्मेवारी है और ATBCL की जिम्मेवारी है कि जो भी घर उजड़ते हैं उनको बसाए।